दुर्ग जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसे लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक बुधवार को दुर्ग जिला पंचायत सभागार में लोकसभा सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता एवं कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें सांसद विजय बघेल ने कहा कि नई सरकार के साथ नई व्यवस्था के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्य किया जाएगा। जो भी दिशा निर्देश व निर्णय लिया जाता है उस पर त्वरित कार्रवाई किए जाना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि केंद्र की योजनाओं से जनता वंचित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान बैठक में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, डोमन लाल कोरसेवाड़ा, ललित चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव सहित अन्य सदस्य और पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में राज्य और केंद्र शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के कार्यों को तेजी के साथ संचालित करने को कहा। ये जिला निगरानी समिति, जिसको दिशा का नाम से हम जानते हैं, उसकी बैठक अभी संपन्न हुई। हमारे नव निर्वाचित माननीय विधायकगण भी प्रथम बार इसमें उपस्थित हुए, कुशेवाड़ा जी, गजेंद्र यादव जी, ललित चंद्राकर जी और जिला पंचायत अध्यक्ष, बाकी सभी मेंबर यहाँ थे, जनपद अध्यक्ष, सभी अधिकारीगण थे और बहुत विस्तार से समीक्षा हुई। और जिस तरह दिशा कमेटी का उद्देश्य ये है कि केंद्रीय जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग इस बैठक के माध्यम से करते हैं। जहाँ पे कुछ विसंगति है उसके लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं, जहाँ कुछ अव्यवस्था है उसके बारे में भी चर्चा होती है। और सबने अपने अपने अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए, सब अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक भी हैं। बहुत सारी बातें आई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में मोदी गारंटी के रूप में था कि 18 लाख आवास इनों को हम आवास देंगे, ये हमारा संकल्प है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो उसको पूरा करेगी। कृषि बीमा योजना है, जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन में हम बहुत पिछड़े हैं और उसको गति देना है। सरकार बदल गई, अब वो सरकार निकल गई जो इसके माध्यम से ये जो कार्य था बहुत धीमी गति से चल रहा था और गुणवत्ता भी नहीं थी, उसका भी निर्देश हमने दिया है। बाकी और जो योजना है उसका लाभ मिलेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक और चीज़ बता दूं कि जिसका गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बन पा रहा है वो ई श्रमिक कार्ड बना ले, वो आपके जो चॉइस सेंटर है वहाँ पे आधार कार्ड और आपको वोटर आईडी उसमें ले जाना पड़ेगा और आपका ई श्रमिक कार्ड बनेगा और उसके माध्यम से गरीबी रेखा कार्ड आसानी से आपका बन जाएगा। ये नियम सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसके तहत शासन ने बनाया है, उसका लाभ भरपूर ले। ज़्यादातर ये शिकायत आती है कि हमारा गरीबी रेखा कार्ड बन ही नहीं रहा है, तो ये शिकायत दूर हो जाएगी और जो पात्र लोग हैं उनको ये सुविधा मिलेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।